घर के काम करना, राइट, साड़ी स्वेटर बुनना या साड़ी पे फॉल लगाना, और वहां से हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की। कई फीमेल तब साड़ी पे फॉल लगाती थी केवल 2 रुपए या 1 रुपए या 50 पैसे कमाने के लिए, अपने हस्बैंड अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। वो एंटरप्रेन्योर तभी बन गई थी, वो तो वहीं पे बिजनेस वूमेन बन गई थी ना, वो वहीं से शुरू हो गई थी। बट उनको ये नहीं पता था कि मतलब क्या है बिजनेस वूमेन या एंटरप्रेन्योरशिप का। बट दोस्तों, ये चरखा चला के कितनी छोटी छोटी चीजें घर में ही करके अपने घर को वो तब से 100 साल से तैयार कर, अपने बच्चों को घर में ही स्वेटर बुन के गई, बाहर का नहीं ला के, उसके साइज परफेक्ट साइज बच्चे का, जस्ट इमेजिन हो गया था आपके कितनी स्ट्रेंथ है, केवल सोच के देखो। केवल कैसे याद है, मेरी मॉम क्या करती थी, मेरे को ऐसे बैठानी थी, बैठ ऐसे नापती थी, बन गया। भाई साहब मैं कहता था यहाँ फीते चल रहे हैं, क्या पता नहीं क्या क्या नाप ले रहे हैं, वो मेरे को कहती थी बैठ, ऐसे होता था मैं। और जस्ट इमेजिन ये कितनी पावरफुल है। मैं तो केवल आपको आपको दिखा रहा हूं कि आपने ये किए, मैंने नहीं किया, ये आपने किए, ये आपके यहां से 100 साल पहले जो घरों को चला रहे थे, अपने पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, और तब से आप बिजनेस हो गए, तब से आप एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में हो। बट पता नहीं, मुझे आज ही आ जाए, टेलीफोन नहीं आए थे, टेलीफोन किसी एक के पास होता था तो हम उस पूरे पड़ोसी पड़ोसी के घर जाते थे, ऐसे होता था ना, या इंटरनेशनल हमारे ब्रदर अगर बाहर रह रहा है तो तुरंत कॉल बुक करते थे, ऐसे होता था ना। तो कुछ ऐसी ईमेल आपको 24 घंटे सर्विस दे रही होती थी, अपनों आपको अपनों से मिला रही होती, आपको नहीं पता होता था, पर शायद इनकी भी फैमिली होती होगी, उनको छोड़ के आपको आपकी फैमिली से बात करा दें, उनको बहुत सपोर्ट मिलता। रात रात भर ही काम करती थी, उस वक्त भी रात रात भर काम करती थी, आते ही रात को 12 बजे ट्रंक कॉल हो, 2 बजे ट्रंक कॉल हो, होता था ना, नहीं होता था, ये भी आपने किए, किसी और ने नहीं किए, ये भी आप ही किए। मैं तो केवल आपको आपको दिखा रहा हूं कि आप क्या क्या कर सकते हो। नो डाउट 2000 के बाद आपको पता है कॉल सेंटर इंडिया में है, पूरा कॉन्सेप्ट चेंज, वर्ल्ड के कॉल सेंटर केवल इंडिया में, इंडिया के पास ऑब्वियसली हम सब जानते हैं यंग इंडिया, आज के दिन में बहुत पावरफुल है इंडिया, एक यंग इंडिया है, और इंडिया के पास 2 एडवांटेज है, सबसे बड़ी ऑब्वियसली यंग इंडिया तो है ही है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें वर्ल्ड लैंग्वेज अच्छी आती है, वर्ल्ड लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश, इंडियन ऑब्वियसली इंग्लिश को हमारे को बचपन से ही आज के डेट में तो स्कूलों में डाल दिया गया है, बट तब भी आज से 2000 की बात करें अगर 25 साल पहले तब भी धीरे 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 इंग्लिश का नोन यानी कि आना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और कॉल सेंटर रात दिन 24 आवर शिफ्ट में फीमेल्स काम करती थी, 24 आवर शिफ्ट, नेचर बदलती थी उन्होंने, प्रकृति बदलती थी, कहा जाता है कि दिन में काम करो रात को सो, फीमेल्स कहती है नो, दिन में भी काम करूंगी रात को भी, ये आप जहां पे आपने दिन में केवल 4-5 घंटे सो देते, अपना काम दिन में कर लेते थे और रात को कॉल सेंटर में जाके लोगों को लोगों से मिलवाने का काम या कुछ भी काम वो आप करना शुरू कर दे। मैं तो केवल आपको आपको दिखा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, जहां पे आज से 50, 60, 70, 100 साल पहले बांट दिया जाता था, उफ नहीं किया, पर उसके बाद कहां से कहां बनाया, केवल वो दिखा रहा हूं। 2010 के बाद धीरे धीरे फीमेल्स, मेरे को याद है एक नाम, अगर स्पोर्ट्स में जाए तो पूरा इंडिया केवल एक फीमेल के इंडिपेंडेंट था, पूरा इंडिया, पीटी उषा, नाम याद है आप लोगों को, प्राउड होता था हमें, क्योंकि हमें एक ही पता था ये फीमेल है जो गोल्ड मेडल लेके आई, स्पोर्ट्स के एक गोल्ड मेडल मिलता था और वो भी एक फीमेल लेके आई मेरे। मैं तो केवल आपको आपको दिखा रहा हूं, पूरा इंडिया तालियां बजाता था, टीवी पे सामने बैठ जाता था जब पीटी उषा आती थी, और ये केवल विश्वास होता था, यस शी इज द वन जो इंडिया के लिए खेलेगी और गोल्ड मेडल लेके आएगी, केवल एक लड़की, पूरा हिंदुस्तान एंड जस्ट वन, जस्ट वन।
और तो 2000 से पहले केवल पीटी उषा जी। देन अगेन एक लड़की छोटे से गांव में नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुई, नॉर्थ ईस्ट में जहां पे उसकी फैमिली के पास केवल दो गायें, केवल दो गायें, उनसे वो जो काम होता था, जो बैल थे, किसानी का काम करते, और वो लड़की का पैदा हुई, धीरे धीरे बड़ी हुई तो उसके भी शौक कुछ अलग, और कहने लगी कि मुझे कुछ अलग करना। पेरेंट्स ने कहा पागल है, फीमेल है, फीमेल की तरह रहे। उसने कहा नहीं मुझे तो बॉक्सिंग में जाना है। हिंदुस्तान में बॉक्सिंग तो मेल्स के लिए कही जाती है, फीमेल्स तो मैं तो कोई थी नहीं। उसने कहा नहीं मैं करूंगा। 8-9 साल की थी जो बॉक्सिंग में गई, उसके फादर ने उसे बहुत मारा कि तेरा काम नहीं है घर पे बैठ पढ़ाई कर और कुछ नहीं। उसने कहा नहीं, छुपके बॉक्सिंग सीखने लगी, छुपके। पेरेंट्स को लगा कि ठीक है, 12वीं पास हुई, 12वीं के बाद नॉर्थ ईस्ट से बैंगलोर जा रही थी, फैमिली ने सपोर्ट किया, दो गाय दो बैल थे जो फैमिली के पास, दोनों भेज दिए, 12,000 रुपए मिले उनको, 12,000 रुपए। आप बहुत किस्मत वाले बच्चे हो यहाँ पे सारे के सारे, क्योंकि शायद आपके पेरेंट्स इतने गरीब नहीं हैं, बहुत किस्मत वाले हो आप कि आपको जो मांगते घर में मिल जाता है। बट वो लड़की, उसके पेरेंट्स ने सब कुछ बेच के केवल 12,000 रुपए इकट्ठा किए और अपनी डॉटर को दे दिया, जा सिमरन जा जीने के। और वो चली ट्रेन में बैठी, अपने बॉक्स में 12,000 रुपए रखे, उसको जंजीर से बांधा बॉक्स को और सो गई। जब बैंगलोर पहुंची बॉक्स लाया, तब उसके दिमाग में केवल एक चीज थी, सुसाइड। तब उसके पास केवल एक आंसर था जिंदगी का, सुसाइड, क्योंकि वो फैमिली को खत्म कर चुकी थी, सब कुछ खत्म कर चुकी थी, पर उसके पास दूसरी एक चीज थी, वो थी हार नहीं मानना, स्पोर्ट्समैनशिप। उसने कहा लास्ट बॉल पर कब सिक्स लग गया पता, स्पोर्ट्समैनशिप, मैं लड़ूंगी। बैंगलोर रेलवे स्टेशन पर उतरी, जिस कोच ने उसे वहां बुलाया था बॉक्सिंग अकेडमी में, उसने कहा डोंट वरी आप आओ, और वो कोच उसको वहां लेके गया बॉक्सिंग अकेडमी में, उसने काम सीखा, और पहली भारतीय फीमेल एक ऐसी लड़की बनी जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। मैरी कॉम जस्ट 18 साल की, मतलब अकाली खत्म, जब जीत लिया गोल्ड मेडल जिससे वो प्यार करती थी, और उसके बीच में फादर क्यों उसे गुस्सा थे, क्योंकि बॉक्सिंग में फादर कहते थे एक मुक्का पहले तेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, कहाँ पानी करेगा तेरे। मैं हमेशा कहता हूं नो ऑफेंस, पहले माफी मांग रहा हूं, मुझे मारना मारना मत। हम तो तैयार होकर बैठ जाती हैं कि कोई दूसरा हमें दे, हम तो तैयार होकर बैठ जाती है कोई दूसरा हमें देखे। मैरी कॉम ने पता है क्या आंसर दिया अपने फादर को, अपने दखिया में से ख्याल अपने पास रखना, जिसको मैं चाहूंगी वो ही मेरा होगा, कोई और नहीं होगा। जिसको मैं चाहूंगी मुंह तोड़ गया कभी कोई तो मुझे पसंद करेगा। शादी हुई उसी व्यक्ति से जिसको मैरी कॉम पसंद करती है। शादी हो गई, लोगों ने कहा आपको शादी हो गई, क्या कर सकती है, बहुत मजाक उड़ाएंगे लोग आपका, जितनी मैरिड है बहुत मजाक उड़ेगा घर परिवार ये सब चीजें। उसने कहा नहीं, पहले बैचलर थी तब करके दिखाया, अब मैरिड हूं तब करके दिखाऊंगी, दूसरा गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता आपका मैरिज। जुड़वा बच्चे हो गए, दो बच्चे जुड़वा करने का आपको थक गई, लोग आपको भी यही, लोग आपको भी ये कहेंगे, बट इंपॉर्टेंट ये है लोग क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप अपने बारे में क्या कहते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप अपने बारे में सोचते हो, तो देखो कोई बच्चे तो हो रहे, फिर गोल्ड मेडल नहीं जीतूंगी। उसके बाद उसने तीसरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, लोगों ने कहा तू जीत सकती है। 2020 में उसने फिर गोल्ड मेडल जीता। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ अ फीमेल, एज इज जस्ट अ नंबर, फीमेल के लिए तो मेल के लिए तो रहते हैं, फीमेल के लिए तो पक्का है।
और ये फैक्ट है कि आज एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं, इंदिरा नूई जिसको मैं खुद इंस्पायर हुआ, चेन्नई के छोटे से गांव में पैदा हुआ, छोटे से गांव में पैदा हुआ और आज इस पृथ्वी का रिचेस्ट व्यक्ति कहते मेरे लिए काम कर, मैडम मेरे लिए काम कर। इंदिरा नूई चेन्नई के छोटे से गांव में पैदा होकर अमेरिका जाना और वहां पे जाके अपने आप को स्टेबल ऐसा करके दिखाना कि यस। और मुझे याद है एक रिपोर्टर इंदिरा नूई के पास गया और इंदिरा नूई से उसने कुछ क्वेश्चन पूछे। आप भी बन जाओगे तो बहुत सारे रिपोर्टर आपके पास गए होंगे। तो एक रिपोर्टर गया और रिपोर्टर ने उससे पूछा, मैडम आपकी जिंदगी में, और तब तक इंदिरा नूई की मैं बता दूं एक हस्बैंड है और दो डॉटर्स है, वो अपनी बच्चों की दोनों डॉटर्स की पीटीएम में कभी स्कूल नहीं गए। उनका बहुत क्लियर फंडा था इंदिरा नूई, वो कहती थी कि क्यों जाऊं, अगर नहीं पढ़ती तो मैं क्यों गाली सुनूं भैया, डॉक्टर नहीं पढ़ते तो मेरे को सुनना पड़ेगा ना, तो मैं क्यों सुनूं। हाँ अगर बहुत काबिल है तो दुनिया की आवाज मेरे तक पहुंच जाएगी, मैं दुनिया से सुनूंगी, वो दुनिया सुना देंगे डॉक्टर। और वो रिपोर्टर गया, रिपोर्टर ने एक फीमेल मदर से पूछा कि आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आप बताए इंदिरा नूई का आंसर क्या था? मेरा काम। उनका आंसर था माय वर्क, मेरा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो रिपोर्टर ने पूछा, अच्छा दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो देखा मेरी दो डॉटर्स दूसरे नंबर पे, मेरी डॉटर्स पहले नंबर पे नहीं है, दूसरे नंबर, दूसरे नंबर पे मेरी दो डॉटर्स हैं वो आती है। रिपोर्टर ने पूछा, अच्छा तीसरे नंबर पे? उतना मेरे सास ससुर। अब रिपोर्टर मेल था, पति नहीं बोल रहे, उसने कहा चौथे नंबर पे? उसने कहा मेरे बाबा। अब रिपोर्टर से गुस्सा नहीं दिया, उसने कहा पति का है, मैं भी समय मिले तो वेरी इंपॉर्टेंट जिंदगी में प्रायोरिटी जरूर सेट करना। अगर जिंदगी में प्रायोरिटी नहीं है तो आपकी लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो वही आपकी जिंदगी, वही आपकी जिंदगी है। इंदिरा नूई से लेके कितनी फीमेल आज की डेट में उन्होंने क्या क्या किया मुझे बताने की जरूरत। और आज 2000 से पहले तो केवल एक पीटी उषा नाम सुनते थे, बट आज नॉर्थ ईस्ट में एक और लड़की पैदा हुई, स्कूल तक नसीब नहीं था, नंगे पैर केवल फुटबॉल खेलती, फुटबॉल 13 साल तक फुटबॉल खेलती, 13 साल। और कोई उसका जो कोच था, मतलब कोच पीटी टीचर था, उसने बोला इतने घंटों तो फुटबॉल खेलती है तो फुटबॉल में तो कोई कैरियर बना नहीं सकती इंडिया में, फुटबॉल का है तो एक काम कर भाग, तेरे बहुत पैशन है स्टैमिना है तो भाग। भाई साहब वो सबसे भाग लिए और ऐसे रिकॉर्ड बना दिए कि 800 करोड़ की पॉपुलेशन है इस पृथ्वी पे, 800 करोड़, और एक अकेली फीमेल 18 साल की लड़की 13 साल से भाग रही है। 13 साल का जब उसने भागना शुरू किया और एक ही साल में 6 गोल्ड मेडल इंडिया के लिए आई, कोई भी चीज होती थी वहां पहुंच जाती थी और अपने रिकॉर्ड को बीट करती थी। रिपोर्टर ने पूछा, हिमा तुम्हारा कॉम्पिटिशन कौन है? केवल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप वो कौन? 100 साल से आप लोगों ने क्या किया? बहुत प्राउड होता है जब मैं फ्लाइट में बैठता हूं और एक फीमेल कैप्टन बोलती है कि आई एम योर कैप्टन, तो मैं कहता हूं बहुत सिक्योर है दीपक सूद, आराम से सो जा। माँ की गोद में भी बहुत अच्छी नींद आती थी, घर में पूरा घर वो चला देती है, कोई कंट्री चला रही है प्लेन जो भी चलाएगी, अब सो जा आराम से। आज कितनी पायलट है मुझे बताने की जरूरत है कि 2000 में केवल 1% भी नहीं होती थी। जस्ट इमेजिन कि कहां से इंजीनियर की बात करूं और कितनों की बात करूं, बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अभी मैं फीमेल से मिला, शी बिकम अ सिस्टर टू मी, सिस्टर तो मेरी बहन बन गई, मतलब ऑफिस मेरी लोकैलिटी में बिल्डिंग है जो बनते रहते हैं,
बहुत लोग बार बार मिला था और किसी की नहीं कर सकते, बहुत बात करती तो मैंने जब मिला तो मैंने पूछा क्या नाम दिया, मैंने बोला मेरा नाम रूपी मेहता है। उनका क्या करते हो, कहती कुछ नहीं ज्यादा नहीं करते, उनका फिर भी कुछ तो करते हो, कहती मैं सीनियर एडवाइजर को भेज रही हूँ। केवल आपको आपको दिखा रहा हूं, आप इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन हो, इंपॉर्टेंट है। आज मैं जब भी मिलता हूं राइट मेरे फेसबुक पे हम लोग डिनर विनर बहुत सारी फोटोग्राफ है उनके साथ, तो जब भी हम मिलते हैं वो बात करती है इंडिया कहाँ पर है। मैं कहता हूँ यार थोड़ा स्लो, इंडिया की ये ग्रोथ है, इंडिया की वो ग्रोथ है, अमेरिका ये कर रहा है, ये कर रहा है। और हम मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, मैं उसमें से वो कहते हैं 13% एग्रीकल्चर बढ़ रहा है इंडिया में, मैं कहता हूँ केवल 2% वैक्सीन में बढ़ जाए बहुत है। वो कहती है 25% न्यूट्रासिटिकल इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ेगा बिकॉज शी वर्क्स विद न्यूट्रासिटिकल रिसर्च, तो जो उनकी फाउंडेशन है उनकी वो हेड है यहाँ पे। जस्ट इमेजिन कि आज फीमेल्स क्या कर रही हैं, मैं केवल उनकी कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि आज आंगनबाड़ी फीमेल, आप कितने लोगों को पता है आंगनबाड़ी फीमेल क्या है, कोई मुझे बताएगा आंगनबाड़ी फीमेल? चाइल्ड डेवलपमेंट, और भाई चाइल्ड डेवलपमेंट है आंगनबाड़ी फीमेल। तो मैं आपको बता दूं कैलकटा में मैं इन लोगों से मिला, तो एक एनजीओ है जिन्होंने मुझे बुलाया और आंगनबाड़ी फीमेल के बारे में बात कर, तो वो एनजीओ इंडिपेंडेंट बनाता है फीमेल के। आप वो अलग अलग कोर्सेज है उनके, वो कहते हैं कि फीमेल को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उन्होंने हमें बुलाया, मेरे को बुलाया, बोला जी क्या कुछ बताओ कि ये फीमेल कैसे 10 से 15 हजार रुपए महीना कमा लो, केवल कि भाई अपना खर्चा अपना यहाँ रह रहे हैं सबको ठीक है 15 हजार रुपए कमा लें तो कैसे ये कुछ करें। वैसे के साथ उन्होंने इसलिए बताया, मैंने उनको केवल एक एग्जाम्पल दिया और आज बहुत प्राउड होता है ये 5-6 साल पुरानी बात बता दूंगा आपको। मैंने उनको एग्जाम्पल दिया कि मैंने कहा केवल 2000 से 3000 रुपए अगर किसी फीमेल के पास है तो वो 15 हजार रुपए व्यक्ति से हर महीने कमा सकते, हर महीने 15 हजार रुपए कमा सकते। तो उनको बड़ा हैरानी हुई कि कैसे, तो मैंने पूरा उनको बना के दिया। मैंने कहा कुछ नहीं करना, किसी भी व्यक्ति के ऑफिस में जाओ, कोई भी सामान दे जो आपको लगता हो कि आप दे नहीं सकते कोई, क्योंकि मेरे को पता है फीमेल्स आर द बेस्ट सेलर इन द वर्ल्ड सेलिंग। मैंने उनको बोला कि आप जाओ 2000 रुपए का सामान जो भी खरीदना खरीदना है वो एक बात है, बट दूसरी बात है कि आपको इसी दिन 200 रुपए का रिटेल प्रॉफिट जरूर कमाना है। बस कि आपको वो सामान 1000 रुपए का बेचता एक चीज की उसमें 200 रुपए मिल गए, 1000 रुपए का उसमें 200 रुपए मिल गए, 2000 रुपए का उसमें 200 रुपए मिल गए, एवरी डे आपको कुछ सेलिंग करके 200 रुपए जरूर कमाने, बस इतना काम करना है। जिन्हें लोगे महीने के 6000 रुपए, और मैंने कहा अगर आप 2000 रुपए या 3000 रुपए के ऑर्डर एवरी डे बेसिस में डालोगे ना तो यहाँ 100 पीवी करने वाले लोग बैठे हैं, बट आंगनवाड़ी लेडीज 3000 पीवी एवरी मंथ करती है, 3000 पीवी एवरी मंथ, 100 पीवी तो वो एक दिन में करती है। सुबह आती है कलकत्ता में, वहां से सामान लेती है, चली जाती है, उनका काम है उसको बेचना, बेच के 200 रुपए कमाती है, 300 रुपए कमाती है, 100 रुपए अपने घर पे लगाती है, 200 रुपए 100 रुपए बचाती है, 200 रुपए अपने घर में एवरी डे लगाती है। कहते जी क्योंकि हमारे 6000 से पूरा काम चल जाता है, और आज वेस्टीज में धीरे धीरे नेटवर्क बन के आज वो स्टार डायरेक्टर डायमंड डायरेक्टर तक बन चुकी है, 1-1 लाख रुपए महीना आप लोग कमा रही है। आज आगे इंपॉर्टेंट ये है, मैं तो आपको केवल आपको दिखा रहा हूं, मैं तो केवल आपको दिखा रहा हूं जो वर्ल्ड ने कहा मैंने सीखा, बेस्ट सेलर फीमेल हो सकती, मेल नहीं हो सकते। मेल किसी भी शोरूम में जाओ, फीमेल्स की पेशेंस वर्ल्ड वाइड कहा जाता है, क्यों? अगर हम भी कोई शर्ट खरीदने जाते हैं, हम भी कहते हैं अच्छा ये दिखा वो दिखा वो दिखा, ये चार बार पांचवे वाले मेल होगा ना पेशेंस नहीं है, बट आपके अंदर तो फूट फूट के भरी है, क्योंकि आप तो वो हो जब डिलीवरी की पेन जो होती है हर माह हर फीमेल कहते हैं मुझे है। जस्ट इमेजिन इतनी पेशेंस है आपको, हर पेन को आपको बुलाते हो कि पेन आ मुझे लग,
और आप उसे हंसी मजाक से निकल जाते हो। जस्ट इमेजिन, मैं तो केवल आपको आपको दिखा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो आज फीमेल क्या कर रही है, मतलब स्काई ऑन गॉड ऑफ द लिमिट विद द फीमेल साइंटिस्ट निकी मंगलयान। कितनी फीमेल थी मंगलयान जो बना, आपको पता है किसी को? मुझे पता है, मुझे किसी को नहीं पता। लो लो मैं बाहर खड़े हो जाऊंगा, कौन हाथ खड़ा कर रहे थे यहाँ पे पता है ना, पता है? मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये क्या है? क्या है ये? अरे क्या है ये? तो मैं अमेरिका मिला, अमेरिका मिला 2014-15 की बात बता रहा हूँ, बहुत बड़े व्यक्ति से मिला। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या करता है? बड़ा अंग्रेज का वो अमेरिका भी पढ़ा हुआ, एक काम इधर कंप्यूटर का। मैंने कहा ऑफिस का है, मैंने कहा भाई केवल हिंदुस्तानी छोड़ सकते हैं, अमेरिकन थोड़ी छोड़ते हैं यार। मैं कहा सच्चा पता क्या करता है? कुछ नहीं करता यार, केवल फेसबुक से मैं $1 million कमाता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में तो भाई पता है फेसबुक पे क्या चल रहा है? तेरा क्या मैं तो दिखाता हूँ भाई, इंस्टा फेसबुक से करोड़ों रुपए से पैसे आ रहे हैं, करोड़ों रुपए। और जब इमेजिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फैक्ट है, फैक्ट कि आज मंगलयान जब बना तो उसमें कितनी फीमेल थी, और होमवर्क है जाके पढ़ना। ये मोबाइल फोन में बार बार कहता हूं सफलता का यंत्र है, ये सफलता का यंत्र है, पर सफलता की सोच आपको लेके आ, पर वो सोच अगर आपने पैदा कर ली तो टेक माय वर्ड, सफलता आपके पीछे आएगी। आपको सफल होने के लिए नहीं जाना, सफलता ढूंढती ढूंढती आपके पास आएगी जब आपने कुछ चीजें कर ली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, ऑब्जेक्टिव जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मदर टेरेसा ने अपनी जिंदगी केवल एक मकसद के लिए दे दी, आप लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। जिस तरह अपनी जिंदगी पूरी दे दी कि एक फीमेल की जिंदगी वालों का बेस्ट बन जाए पूरी लाइफ। वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागी, पर पैसा हमेशा उनके पीछे भागा। आपको क्या चाहिए इंपॉर्टेंट ये है, रादर आपको क्या बनना है ये आपके बीच सोचना है। प्योरली अप टू यू, और 100 प्रॉब्लम आएंगे आपके जिंदगी में, 100% मैं कह रहा हूं 100% प्रॉब्लम आएंगी, बट गुड थैंक्स करना ऊपर वाले का जब भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि जिंदा लोगों को प्रॉब्लम आती है, मर रहे हुए लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मुर्दा को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट जिंदा अगर हम हैं तो प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या देखते हो, प्रॉब्लम देखते हो सॉल्यूशन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और बस यही हमें देखना है। यही नहीं, जस्ट 13 गोल्ड मेडल जो आज तक जीते, 102 नेशनल इंटरनेशनल मेडल, जस्ट इमेजिन एक फीमेल ने क्या कर दिया पूरा हिंदुस्तान, और जस्ट वन फीमेल प्राउड लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी द फर्स्ट वुमेन फाइटर। मेरे को बता, आपको तो पता भी नहीं होगा, हिंदुस्तान में आर्मी में फीमेल को रखा नहीं जाता था, अलाउड ही नहीं फीमेल। और आज कहां फीमेल आर्मी में पहुंच चुकी है, 2008 या 2009 के बाद कुछ कहने के लिए, एक छोटी सी लड़की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट। और ऐसे ही हमारे इंडिया के ग्रुप है टाटा ग्रुप, सुना हुआ है आप लोगों ने? टाटा ग्रुप में फीमेल्स को नौकरी नहीं दी जाती थी, पता है आपको? फीमेल्स को नौकरी नहीं दी जाती थी, अलाउड ही नहीं था फीमेल्स को एंट्री। एक फीमेल और एक फीमेल, उसने टाटा चेयरमैन को की और कहा आप गलत हो, मौका देके देखो, सबसे बेस्ट एम्प्लॉय मैं बनके दिखाऊंगी, सबसे बेस्ट एम्प्लॉय मैं बनके दिखाऊंगी। एक फीमेल कोई भी मेरा इंटरव्यू ले ले, मेरे को कोई बीट नहीं कर सकता। मैं बात कर रहा हूं एक फीमेल सुधा मूर्ति है, जस्ट वन फीमेल। और टाटा चेयरमैन को मेल की और कहा कि कोई मेरे को बीट करा के दिखाए, और टाटा ग्रुप की फर्स्ट फीमेल इंप्लॉय सुधा मूर्ति बन गई। और जस्ट इमेजिन आज उनके हस्बैंड नारायण मूर्ति इंफोसिस के माने, और दमाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ लंडन। जस्ट इमेजिन फीमेल क्या कर सकती है।
मैं तो केवल आपको आपको दिखा रहा हूं, केवल मूर्ति से एक चीज पूछी गई, एक रिपोर्टर जुड़ा मूर्ति से बात उससे पूछा मैम शॉपिंग, और फीमेल और शॉपिंग तो साथ नहीं है। उन्होंने अपनी साड़ी पे हाथ लगाया, कहा 7 साल पहले खरीदी केवल HIV ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यून वायरस के पेशेंट के साथ काम करती है, वहीं रहती है झोपड़ी में, जिनका दामाद कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है यूके का, और वो और अभी अभी लास्ट वीक आपको पता है क्या हुआ, पूरे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर हमारे सब मिले तब एकदम, आपको नहीं पता क्या हुआ इंडिया में, सुधा मूर्ति को भारत रत्न से सम्मान दिया गया, राइट और भारत रत्न से सम्मान दिया गया, और उनकी बेटी जो फर्स्ट लेडी ऑफ यूके वो सबसे लास्ट में बैठी हुई थी, कोई सिक्योरिटी नहीं, एक बंदा नहीं, कुछ नहीं, पुलिस वाला भी नहीं डाल देता, आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड किंगडम वो जाके वहां चुपचाप बैठी हुई है, मेरी मदर को भारत एक पुलिस वाला ने देखा ये कौन है भाई, मोदी जी भी हुए, अरे क्या किसी को ये पता नहीं था फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड किंगडम उस दिल्ली में आई हुई है, सिंप्लिसिटी जस्ट इमेजिन आप कौन हो दिखा के अपने आप का नाम बदनाम, ये मत कहो कि दिखाने तो बिजनेस में आओ, टीसीडी बनो उसके बाद पांडा का चेक फिर तब दिखाओ, तब दिखाओ कि 500 लेडीज आपका नाम ले कि आपके कारण उन 500 लेडीज की जिंदगी बदली, तब आओ द मोस्ट इंपॉर्टेंट।